मणिपुर से शिफ्ट नहीं होने देंगे। रजिस्ट्रेशन पावर्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं जाने देंगे। रजिस्ट्रेशन पावर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं जाने देंगे। रानीपुर हाई कोर्ट को शिफ्ट नहीं होने देंगे। रानीपुर मुर्मू साहब को इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू में टैक्सेस का बोझ जन विरोधी आवाम विरोधी पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है। हम मुर्मू साहब से ये मांग करते हैं, राज्यपाल साहब से, कि आप जम्मू हाई कोर्ट को जानीपुर से शिफ्ट नहीं करें, रेवेन्यू विभाग को रजिस्ट्री की पावर्स नहीं दे, सरोज टोल प्लाजा को बंद करें, 9% रोड टैक्स को खत्म करें और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारे कानून जो चलान हो रहे हैं उसे बंद करें। हम वकील साहिबान को पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं, बार एसोसिएशन को भी समर्थन दे रहे हैं। अगर उन्होंने जम्मू बंद का आह्वान किया तो हम जम्मू बंद में भी उनके साथ जाएंगे और ये मांग करेंगे कि बार एसोसिएशन अपनी मांगों में जम्मू को स्टेटहुड बनाने का भी मांग पत्र में प्रस्ताव रखे, स्लो टोल प्लाजा बंद करें, मोटर व्हीकल एक्ट कानून को बंद करें, हम फलामांडा से जानीपुर हाईकोर्ट तक रिंग रोड बनाएं और हम पूरे का पूरा समर्थन बार को और वकीलों को देते हैं कि हम जम्मू से हाईकोर्ट गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश भेजना चाहते हैं कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू में टैक्सेस का बोझ जन विरोधी आवाम विरोधी पॉलिसीज को लागू किया जा रहा है। हम मुर्मू साहब से ये मांग करते हैं, राज्यपाल साहब से, कि आप जम्मू हाई कोर्ट को जानीपुर से शिफ्ट नहीं करें, रेवेन्यू विभाग को रजिस्ट्री की पावर्स नहीं दे, सरोज टोल प्लाजा को बंद करें, 9% रोड टैक्स को खत्म करें और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारे कानून जो चलान हो रहे हैं उसे बंद करें। हम वकील साहिबान को पूरा समर्थन अपना दे रहे हैं, बार एसोसिएशन को भी समर्थन दे रहे हैं। अगर उन्होंने जम्मू बंद का आह्वान किया तो हम जम्मू बंद में भी उनके साथ जाएंगे और ये मांग करेंगे कि बार एसोसिएशन अपनी मांगों में जम्मू को स्टेटहुड बनाने का भी मांग पत्र में प्रस्ताव रखे, स्लो टोल प्लाजा बंद करें, मोटर व्हीकल एक्ट कानून को बंद करें, हम फलामांडा से जानीपुर हाईकोर्ट तक रिंग रोड बनाएं और हम पूरे का पूरा समर्थन बार को और वकीलों को देते हैं कि हम जम्मू से हाईकोर्ट को शिफ्ट नहीं होने देंगे। हम